अनेकों बार विधान सभा में रहे, मंत्री भी रहे, लंबा संसदीय ज्ञान भी उन्हें है। वो किसी के भेजने से नहीं आए थे, समाजवादी पार्टी को बचाने की चिंता को लेकर स्वयं मुझसे उन्होंने बात किया। मैं उनका सम्मान करता हूं, आगे भी उनका सम्मान करता रहूंगा, और इसके पहले भी मैं जब एक पार्टी में नहीं था तो भी उनका मैं सम्मान करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश के सियासत में क्या अब एक बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? बहुजन समाज पार्टी के साथ राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य क्या एक बार फिर से, जिस तरह से वह चुनौती दे रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव को, क्या इस चुनौती में वह सफल हो पाएंगे या नहीं? आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत में जिस तरह से खेल करने का दावा कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, क्या वह जीत हासिल कर पाएंगे, क्या अपने प्रत्याशियों को जीत दिला पाएंगे या नहीं? नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिनेश। दिनेश, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि बीते कई दिन से ये खबरें सामने आ रही हैं कि बसपा के संपर्क में बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती के संपर्क में बने हुए हैं और मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को अहम जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। खबरें तो ये तक सामने आई थी कि मायावती उन्हें कुशीनगर सीट से मैदान में उतार सकती हैं, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले खबर ये भी आई थी कि जो मैनपुरी सीट है, जो हॉट सीट मानी जाती है, हाई प्रोफाइल सीट है उत्तर प्रदेश, जहां से सांसद हैं मौजूदा समय में डिंपल यादव, एक बार फिर से प्रत्याशी के तौर पर यहां पर डिंपल यादव को देखा गया है। बीजेपी से जयवीर सिंह ठाकुर और शिव प्रसाद सिंह बसपा की तरफ से उतारे गए। ऐसे में बैनर पोस्टर जो सामने आए जिसमें देखा कि शिव प्रसाद सिंह के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आते हैं और कहा जाता है कि वह बसपा के समर्थन में, यानी कि शिव प्रसाद के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे, डिंपल यादव को चुनौती देंगे, वो डिंपल यादव जिनकी पार्टी का हिस्सा वह पहले रहते हैं। तो यहाँ पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनकी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर जो पोस्ट साझा किया गया, ऐलान किया गया, कुशीनगर सीट से वह चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन बसपा के टिकट पर नहीं। 9 मई को अब नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और ऐसे में यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य कितनी मुश्किलें बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए प्रांशी, यहाँ दो पहलू है, एक बहुजन समाज पार्टी का और दूसरा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से उन्होंने 22 फरवरी 2024 को अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ साथ विधान परिषद के सदस्य थे और वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के द्वारा जो उनको यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए उनके आधार पर कहीं ना कहीं उनको आघात पहुँचा है और उस आधार पर ही यहाँ समाजवादी पार्टी से किनारा करते हुए लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है प्रांशी, और उस बैठक में अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को साधने के लिए एक बड़ा सम्मेलन करवाया। उस सम्मेलन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपके सहयोग के बिना हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से तमाम राजनेता जो कि विवादित बयान दे रहे थे, और स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि समाजवादी पार्टी में शामिल थे इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी उसका लाभ उठाना चाहती थी, उनको कड़ा ये निर्देश दिया गया कि आप ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं देंगे जिससे कि पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। आपके विवादित बयानों पर कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, और पार्टी आगामी वक्त में लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रही है, अतः ऐसी तमाम यहाँ पर जो संभावनाएं हैं और तमाम जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही हैं उनसे आप दूर रहें। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उन बयानबाजियों से बाज नहीं आते हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ये ऐलान कर देते हैं कि अब आप आगे आने वाले वक्त में हमारे साथ नहीं रहेंगे। यानी कि साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से झटका दिया गया। अब आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की, जिस तरीके से मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, देखा आपने जिस तरीके से नगीना से जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। मल्लूक नागर जो कि बिजनौर से सांसद हैं वो यहाँ पर जो है आरएलडी का दामन थाम लेते हैं। अमरोहा से जो सांसद दानिश अली रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो कांग्रेस के खेमे में आ जाते हैं। मायावती कमजोर होती नजर आई है, और मायावती कमजोर होने का मतलब ये है कि दलित वोट बैंक उनसे पिछड़ता हुआ छूटता हुआ नजर आया है। 2022 के विधानसभा चुनाव को यहाँ कतई नहीं भुलाया जा सकता, जब मायावती चुनावी मैदान में थी और उस दौरान
दौरान बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि 20% उत्तर प्रदेश में वोट बैंक होने के बावजूद भी महज एक सीट मिल पाई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक सॉफ्ट एंगल दिखाती हुई नजर आई है यहाँ पर BSP, और उसी के आधार पर यह समर्थन की बातें की गई। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं एक बड़ा समर्थन देते हुए तो नजर आ ही रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये कर ली जाए कि आखिरकार BSP के टिकट पर ही वह चुनाव लड़ेंगे या फिर खुद वह अपनी ही पार्टी के दम पर चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट ही साझा किया गया है और लंबे वक्त से जो खबरें आ रही थी उसमें कहा गया था कि सोमवार के दिन ऐलान किया जा सकता है, और ऐसा हमने देखा भी कि 7 मई सोमवार के दिन पार्टी की तरफ से एक पोस्ट साझा किया गया। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि सोशल मीडिया पर उनके तमाम वीडियो सामने आए हैं, और दूसरी ही तरफ कन्नौज सीट से जो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहां से भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार रखा है। लेकिन मायावती के समर्थन से ही क्या वह कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर मायावती से अलग? सबसे पहले यहां पर आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वीडियो दिखा देते हैं कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। अनेकों बार विधान सभा में रहे, मंत्री भी रहे, लंबा संसदीय ज्ञान भी उन्हें है, वो किसी के भेजने से नहीं आए थे। समाजवादी पार्टी को बचाने की चिंता को लेकर स्वयं मुझसे उन्होंने बात किया, मैं उनका सम्मान करता हूं, आगे भी उनका सम्मान करता रहूंगा, और इसके पहले भी मैं जब एक पार्टी में नहीं था तो भी उनका मैं सम्मान करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अखिलेश यादव ने कहा आपको MLC बना दिया गया, उसके बावजूद भी आप पार्टी की उनकी नीतियों के साथ नहीं चल रहे हैं। अब उनकी उनका सेक्युलरिज्म सबके सामने आ गया। जिस PGA का उन्होंने नारा दिया उसकी हवा खुद निकाल दी। जो खुद अंधेरे में है वो दूसरों को उजाले में कैसे ले जा सकता है? जो खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ है, ना इधर है ना उधर है, वह दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है? समाजवादी पार्टी के लोग आज समाजवाद के रास्ते से भटक गए हैं। मैंने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को भी देखा है। शुरुआती दौर में मैंने राजनीति भी उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने संविधान की भावना के विपरीत काम नहीं किया। कार्यालय में तो दूर, वो कभी घर में पूजा घंटों करते थे लेकिन कभी भी किसी मंदिर में नहीं गए। लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी कार्यालय में भी पूजा की शुरुआत किए, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी कभी कभी देवी देवता भगवान की पूजा पार्टी कार्यालय में नहीं की। ये ऐसे धर्मनिरपेक्ष हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान शालीराम की पूजा करवा दी। तो कैसा इनका धर्मनिरपेक्ष है उसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इनके पूजा पाठ के आगे शर्मा गई होगी कि हमसे कहाँ चूक हो गई, बाजी मार ले गए श्री अखिलेश यादव जी। तो स्वाभाविक रूप से उनका ये धर्मनिरपेक्ष चेहरा जनता देख रही है, अब हमें कुछ नहीं दिखाना। जिसको जनता देख रही है उसको आईने दिखाने की जरूरत नहीं। आपको लेकर पल्लवी पटेल भी नाराज है, लगातार पल्लवी पटेल कह रही है कि राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करेंगे, क्या आपसे उनसे बातचीत चल रही कुछ? देखिए, पल्लवी पटेल जी बहुत ही सशक्त और बुलंद आवाज उठाती रही है। माननीय सोनेलाल पटेल जी की पुत्री है। सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव कश्याम की विचारधारा रही है, इसलिए कोई भी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला नेता योद्धा संगठन अखिलेश यादव जी के साथ नहीं चल सकता है। आपने प्रोफेसर जी के बारे में कहा कि उनके फैसले पार्टी के विरोध में थे, ऐसे क्या फैसले रहे स्वामी जी जिससे आपकी नाराजगी है प्रोफेसर जी से? अब उनकी बोल भाषा आप लोग देखते होंगे। अभी पल्लवी पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि PDA के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी। बात राष्ट्रीय दल पे छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं सदस्यता नहीं वोट देंगे, सदस्यता चली जाएगी। क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये है?
भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे, या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी मिश्रा घोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है तो और क्या आवश्यकता क्या है। इसलिए जब तक प्रोफेसर रामगोपाल जी स्वनाम धन्य स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया रहेगा। ये कह रहे हैं मोदी जी कि अब यही देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिरकार कुशीनगर सीट से जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। दिनेश यहां पर दो और सवाल रहेंगे। खबरें ये आ रही थी कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से कुशीनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जा सकता है, लेकिन पार्टी से वह अलग रास्ता सुन लेते हैं, पार्टी से अलग हो जाते हैं, सभी पदों से इस्तीफा दे देते हैं, अपनी पार्टी का गठन कर लेते हैं। और अखिलेश यादव जो दावे और वादे करते थे कि उनका गठबंधन किस तरीके का है, वह किस तरीके से किन रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें झुठलाते हुए नजर आए मौर्य भी और साथ ही साथ पल्लवी पटेल भी कि पीडीए की रणनीति दिखाई नहीं देती उनकी पार्टी में। अब यहां पर बात कर ली जाए, जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी यहां से अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, आपको बता दें कि कुशीनगर सीट से अखिलेश यादव ने अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार को उतार दिया है, तो ऐसे में यहां पर क्या बीएसपी के टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य आपको नजर आ रहे हैं या अकेले? ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और तमाम जो यहाँ पर पार्टी के सूत्रों से जो खबरें सामने आई हैं वो यही हैं कि समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीएसपी के पास कुशीनगर लोकसभा सीट पर कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है, लिहाजा उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन देने की बात कही है और यहाँ पर तमाम संभावनाएँ भी नज़र आ रही हैं। आप पूरे इस चुनाव में देखेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कोई किसी तरीके का उन्होंने जो है ऐसा बयान नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है, जिस तरीके से देश भर में तैयारियां चल रही हैं, विभिन्न राजनीतिक दल जो है राजनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है सत्ता में वापसी के रास्ते तलाश रहा है, इस बीच यहां पर जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई है वो काफी गहरी होती हुई जा रही है, क्योंकि मायावती के पास यदि उन्हें 2019 के आंकड़े को दोहराना है, यदि उन्हें लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है तो कोई बड़े फैसले लेने होंगे और बड़े फैसले तभी लिए जा सकते हैं प्रांशी जब राज्य संगठन की इकाई के बड़े नेता आपके समर्थन में हो। फिलहाल देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन देने की यहां पर जो तमाम खबरें आ रही हैं उन पर सहमति बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 12 मई जो है आखिरी तारीख है नामांकन की और उसके बाद नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती इस पूरे जो है घटनाक्रम को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है और आगामी 24 घंटे अहम होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने दिनेश यहां पर यही सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं मायावती ने एक बड़ा समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य को दे रखा है, टिकट कुशीनगर से कहीं ना कहीं मायावती की तरफ से है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, मायावती क्या वाकई में यहां पर एक आधिकारिक ऐलान करती हुई जल्द से जल्द देखी जा सकती है? अगर देखी जा सकती है तो आखिरकार मायावती क्या इस पार्टी से जीत दिला पाएंगी स्वामी प्रसाद मौर्य को या नहीं? बिल्कुल, यहाँ पर प्रांश महत्वपूर्ण सवाल है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो भी अधिकार हैं वो उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में मायावती के फैसले को बीएसपी में यहाँ पर कोई भी दरकिनार करने वाला नहीं है, और यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनकी तरफ से ये फैसला लिया जाता है तो ये फैसला काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, वो पूर्वांचल की राजनीति जहां पर ना तो सपा इतनी मजबूत है और ना बीएसपी इतनी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी को भी यहां से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है पूर्वांचल और तमाम इलाकों पर यहां उनकी सक्रियता दिखाई देती है। ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती यदि ऐसा कदम उठाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया जाए तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा और उनकी जीत की संभावनाएं यहाँ से बढ़ती नजर आ सकती है। अब यही देखना होगा कि कुशीनगर सीट पर जब 1 जून को मतदान होंगे तो आखिरकार वोट बैंक किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। क्या वाकई में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधते हुए मायावती यहां से जीत बोल पाएंगी अगर आधिकारिक ऐलान यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ही होता है तो? वहीं अगर मायावती अलग से प्रत्याशी को उतारती है तब भी देखना दिलचस्प होगा।
होगा। मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय भी हो सकता है, मुकाबला यहाँ पर महामुकाबला के तौर पर भी देखा जा सकता है। देखते हैं कि आखिरकार 1 जून को जब इस सीट पर मतदान होंगे और 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।